वजह है कि पटना जिले के बाढ़ शहर से बिलोंग करने वाले वरिष्ठ पत्रकार पंडित सत्यनारायण चतुर्वेदी जी का सम्मान समारोह हो रहा है। परिप्रेक्ष्य है कि हाल के दिनों में पंडित सत्यनारायण चतुर्वेदी जी दिल्ली में, उसके बाद हरिद्वार में, कुछ दिन पहले जो है करनाल में, बिहार की राजधानी पटना के विधानमंडल के विधान परिषद सभागार में सम्मानित हुए। तो आज हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं कि बाढ़ के धरती पर भी जो है उनके सम्मान में एक समारोह का आयोजन हम लोग किए हैं और उनको सम्मानित कर लिए। चतुर्वेदी जी विगत 40-50 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और कई प्रतिष्ठित प्रिंट मीडिया से, अमृत वर्षा, दैनिक जागरण, सनमार्ग, पाटलिपुत्र टाइम्स, तरीके कई मीडिया हाउस के लिए इन्होंने काम किया है। इनका बहुमूल्य योगदान रहा है। हाल फिलहाल में NTPC में एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में सारे मीडिया कर्मी शरीक हुए, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के सारे साथी गए। एक दिन बाद जो है सोशल साइट्स पर प्रतिष्ठित अखबार को बिलोंग करते हैं हिंदुस्तान को, और इनको भी जो है गतिरोध पैदा किया गया था जिस समय पत्रकारिता शुरू किए थे। जबकि हमारे एडिटर कहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में अगर हिंदुस्तान से बड़ा कोई मीडिया हाउस ही नहीं, और इनको गतिरोध पैदा किया गया था। पप्पू जी अपना विचार व्यक्त करेंगे। आज के पत्रकार सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे सभी भाई पत्रकार बंधु, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बड़े भाई आदरणीय पंडित सत्यनारायण चतुर्वेदी जी का सम्मान देश के कई शहरों में हुआ। और हमारी जिम्मेवारी भी है कि जहाँ से हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ा जहाँ हम लोगों का जन्मभूमि है और यही हम इन्हें उपेक्षित करेंगे तो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। हम सभी पत्रकार बंधुओं के लिए खुशी की बात है कि पंडित सत्यनारायण चतुर्वेदी जी का पूरे देश भर में न जाने कहां कहां, पटना, करनाल, हरिद्वार और न जाने कहां कहां इनको सम्मान मिलता है। तो वास्तव में पत्रकारों के लिए ये बड़ी खुशी की बात है और हम चाहेंगे कि इनका मार्गदर्शन हम सभी पत्रकार बंधुओं, और सबसे बड़ा चीज है कि सीनियर जूनियर का भावना नहीं रखना चाहिए। हम सभी इतना जान लें कि हम सब पत्रकार हैं और सबका काम सिर्फ यही है खबर ईमानदारी से पाठकों तक, दर्शकों तक पहुंचाना। अगर खबरों में हम ईमानदार रहेंगे तो सम्मान का मुमताज हम लोग नहीं रहेंगे। सम्मान कोई बड़ी चीज नहीं है। जिस समय आपको बैनर मिलता है, आप जिस समय पत्रकारिता का लोगो लेकर के आप चलते हैं, उससे बड़ा सम्मान और कुछ नहीं होता है। आज हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि सभी हमारे वरिष्ठ पत्रकारों के मार्गदर्शन में हमें पत्रकार सम्मान समारोह में हमें भाग लेने का अवसर मिला है। और सिर्फ ये हमारे लिए नहीं, हमारे जितने भी डिजिटल मीडिया के हमारे साथ जो साथी बहुत दिनों से कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को भी इसके लिए सम्मान की बात, गर्व की बात है। लगभग 40 वर्षों से पत्रकारिता में अपना एक जज्बा दिखाते हुए, अपना छाप छोड़ने वाले हमारे आदरणीय सत्यनारायण चतुर्वेदी, आज वैसे गार्डियन के रूप में जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो हमें बहुत ही गर्व महसूस होता है। बात सिर्फ यह नहीं है कि हम यहाँ बाढ़ में छोटे स्तर पे पत्रकारिता कर रहे हैं, हमारी यह कोई सोच नहीं है। हम डिजिटल मीडिया से अगर बिलोंग करते हैं तो हम पूरे देश के या कहीं भी जाकर के हम पत्रकारिता कर सकते हैं, हमारे लिए कोई क्षेत्र प्रतिबंधित नहीं है। इसके लिए हम NTPC पे आश्रित या कहीं किसी भी संस्थान या किसी भी पत्रकार के द्वारा अगर हमको हटाया जाता है तो उसके लिए हमको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। हम जिनके साथ आज हैं
वो पूरे देश में दिल्ली हो, करनाल हो या पटना, हमारी राजधानी पटना में सम्मानित होकर आए, तो हम इनसे आशीर्वाद लेकर हम भी ऐसा काम इनसे करेंगे, इनके मार्गदर्शन में ऐसा कार्य करेंगे जिसको लेकर कि हमें भी इनके आशीर्वाद से वहां पहुंचने का मौका मिलेगा। तो इसके लिए बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम। नई पीढ़ी को जिस तरीके से आगे बढ़ने की प्रेरणा देना चाहिए, आज पुराने लोग, आज उस तरीके के जो नई पीढ़ी के लोग, नए माइंड, क्रिएटिव माइंड वाले जो पत्रकार बनकर आगे आना चाह रहे हैं, उनके रास्ते में लोग पत्थर रखना चाहते हैं। इसलिए नहीं रखना चाहते हैं कि उनकी सोच है, उनको कहीं ना कहीं आपसे खतरा महसूस हो रहा है, उनको यह लग रहा है कि कहीं आपकी जगह, उनकी जगह आप न आ जाए। आज जो उनकी चर्चा होती है बड़े बड़े ऑफिस में और कहीं कहीं पे होता है, तो वो चर्चा होना कहीं बंद न हो जाए, ये डर से आपको तमाम पत्रकारों को, यंग पत्रकार को, युवा पत्रकार को, कुछ वैसे पत्रकार जो बेबाक शब्दों को रखते हैं, जैसे सत्यनारायण चतुर्वेदी जी है, राजेश का है, इस तरह के पत्रकार हैं, किन्हीं के चापलूसी नहीं करते हैं, इसलिए आज उस तरह के पत्रकार के श्रेणी में नहीं आ रहे हैं कि क्योंकि इनको चापलूसी करने आता नहीं है। लोग जो कर रहे हैं उनकी एक यूनिटी है, एक उनकी टीम बन रही है, कहीं ना कहीं से उनको ऐसा लग रहा है कि नई पीढ़ी के जो पत्रकार आए हैं वो बेहतर काम कर रहा है, क्योंकि वह सुबह से शाम तक मेहनत कर रहा है, खबर को निकाल रहा है, और जिस कारण से ये है आज यह उनको एक टारगेट उनके द्वारा बनाया जा रहा है कि एक डिजिटल पत्रकार है, यूट्यूबर है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं यूट्यूबर की एक चर्चा कर दूं कि आज पूरे बिहार ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी भी मुख्य पत्रकार को अगर चर्चा है तो मनीष कश्यप जैसे पत्रकारों की चर्चा है। मनीष कश्यप भी एक यूट्यूबर है, लेकिन आज उन्हें पत्रकार शब्द से ही लोग नमाजते हैं, क्योंकि उनका एक कार्य है, उनका एक दायरा रहा कि किसी भी असत्य के खिलाफ, किसी भी करप्शन के खिलाफ वो उन्होंने खुलकर सामने आया और आकर सरकार के खिलाफ या करप्शन के खिलाफ वो खुलकर आया सामने। आज क्यों ना कोई बड़े बिहार में तो कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो कि आज सदियों से आकर, दशक से आकर पत्रकारिता कर रहे हैं, बड़े बड़े चैनल में हैं, लेकिन उनका नाम कोई नहीं जानता है, लेकिन मनीष कश्यप का नाम जानता है, बड़े भाई राजेश का बोले कि भाई ज्ञानेश्वर जी का नाम जानता है, वो यूट्यूबर है, वो किस तरीके के काम किए आज सब देखने की चीजें हैं। उस तरह की चीज यहाँ बाढ़ में भी दिख रहा है, कुछ ऐसे ऐसे पत्रकार सामने, खास करके यूट्यूब हो या सोशल साइट पर सक्रिय होकर जिस तरह से काम कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का नींद उड़ा हुआ है। हम तमाम आप पत्रकारों से एक चीज जरूर कहना चाहेंगे कि वह नींद तब तक उड़ते रहे जब तक लोग आपकी काम की, आपकी लगन की, आपकी कर्तव्य निष्ठा का लोग लोहाना मान ले, तब तक आप उड़ते रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तो आपकी शुरुआत है, कुछ कुछ संस्थानों में आपके खिलाफ बोली जा रही है, यूट्यूबर शब्द से आपको झकझोरा जा रहा है, आपको डिमोलाइज किया जा रहा है, आने वाले समय में वह दिन बहुत नजदीक आ चला है कि आपके खिलाफ कई थानों में FIR होने वाला है। ये सत्य है, एकदम सत्य है, FIR होगा आपके खिलाफ होगा। इसलिए उस तरह के चीजों से अगर आपको मजबूती से लड़ना है तो सत्य को रखते हुए, बेहिचक, बिना डरे हुए, और जिस तरीके की आप एकत्र होकर एक यूनिटी अपने मान सम्मान के लिए, रक्षा के लिए आप एकत्र हुए हैं, ये यूनिटी बनाने की आवश्यकता है। अगर ये यूनिटी टूटी, आप में से कोई मनीष कश्यप जैसा जेल जाएगा और वो दिन बहुत नजदीक आने वाला है, बशर्ते आज मनीष कश्यप के लिए पूरे बिहार और विपक्ष के सरकार भी उसके सामने है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस तरह के काम किया है, चाहे वो सरकार के विरोध जाकर हो या प्रशासन के विरोध जाकर हो, उन्होंने सत्य कहने का काम किया है। आप सत्य कहें, कहीं डरे नहीं, हमारे गार्जियन जैसे लोग हैं जो कि आपकी वीरता के समय में ये सहयोग जरूर करेंगे। आज बहुत हर्ष की बात है कि हमारे बीच आदरणीय सत्यनारायण चतुर्वेदी जी हैं और उनके सम्मान के लिए हम लोग तमाम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। सबसे खास बात क्या है कि सम्मान, हम लोग कुछ सम्मान नहीं, जिस जहाँ तक इन्हें सम्मान मिल चुका है, कहीं न कहीं
उनकी एक छोटी सी झांकी है और हम सबसे पहले इनकी सम्मान की बात अगर कही जाए तो पत्रकारों ने जिस तरीके से बेबाक होने के कारण इनको उपेक्षित किया जा रहा है वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा, तो हम इनके छोटे भाई हैं और इनसे प्रेरणा लेकर हम लोग एकत्र हुए हैं और हम लोगों का सिरताज है और हम लोग इनका सम्मान पहले भी करते आए हैं, अभी भी कर रहे हैं, आने वाले समय में भी करेंगे। और इसी सत्यनारायण चतुर्वेदी बाबा जो आज हम डिजिटल पत्रकार संघ की ओर से इनको सम्मानित करने वाले हैं, क्योंकि बहुत जगह बड़े बड़े जगह इनका सम्मान समारोह किया गया देश के विभिन्न स्थानों पर इनको लेकर। आज हम लोगों के मन में भी आया कि हम लोग अपनी तरफ से बाबा को सम्मानित करें और विशेष क्या बोलने ज्यादा। आदरणीय सम्मानित पत्रकार बंधु एवं हमारे वरिष्ठ पत्रकार सत्यनारायण चतुर्वेदी राजेश भैया, हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री चतुर्वेदी जी को देश के कोने कोने में सम्मानित किया जा रहा है। बिहार विधान परिषद में विधान परिषद अध्यक्ष द्वारा सम्मान दिया गया। हम लोगों को लगा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार को जब देश सम्मानित कर रहा है तो हम लोग क्यों ना इनको सम्मान दें, वैसे हम लोग इनको क्या सम्मान दे सकते हैं जब देश के बड़े बड़े संस्था द्वारा इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। लेकिन हम लोगों के भी मन में आया कि चलो भाई, आज हम अपने वरिष्ठ पत्रकार श्री चतुर्वेदी जी को अपने डिजिटल पत्रकार बंधुओं द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन कर इन्हें सम्मानित करें। और इनसे जब हम बात किए तो भैया आज हम सम्मान समारोह का आयोजन कर रहे हैं, इन्होंने समय निकाला और समय निकाल करके हम लोगों के बीच आए, बहुत खुशी हुई। इनसे एक उपेक्षा करे हैं कि हम लोगों को आप वरिष्ठ होने के नाते मार्गदर्शन देते रहे ताकि आपके बताए रास्ते पर हम आगे बढ़े। बस इतना कहकर मैं अपनी बाकी प्रोग्राम सम्मान समारोह में आए सभी सम्मानित सदस्यों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज बहुत खुशी की बात है कि हम लोगों द्वारा आज वरिष्ठ पत्रकार सत्यनारायण चतुर्वेदी जो 40 वर्षों से बाढ़ में पत्रकारिता के माध्यम से समाज में सेवा करते आए हैं उनको सम्मान देने की बात है, इसीलिए मैं सत्यनारायण चतुर्वेदी जी को अभिनंदन करता हूँ। बहुत खुशी की बात ये है कि सभी बड़े भाई स्वरूप गार्जियन स्वरूप यहाँ जो बैठे हैं सब लोग चर्चा किए इस पे, हमको ये बात देखकर खुशी ये हुई कि एक मंच पे इसी माध्यम से सम्मान समारोह के उपलक्ष्य में लोग बैठे एक जगह एक क्षेत्र में कार्य करते हैं लेकिन बैठ नहीं पाते, टाइम नहीं दे पाते, लेकिन आज एक सम्मान समारोह के संदर्भ में ही बैठने का मौका मिला, एक साथ चर्चा करने का मौका मिला, यही बहुत बड़ी गौरवान्वित है। बाकी सब लोग काफी बातें चर्चा की है लेकिन कहने की ये बात है कि लोग यहाँ तक स्थानीय लोग यहाँ चर्चा में तो है ही है लेकिन हमने भी कई जगह इनके साथ इनके मार्गदर्शन पे इनके कहे बातों पे इनके द्वारा ले जाए गए जगहों पे गए तो चर्चा में यहाँ तो है ही है लेकिन देश में हमारे जो राजधानी है दिल्ली वहाँ भी इनका नाम फेमस है, देखा गया, लोगों के द्वारा चर्चा किया गया, जैसे कि हमारे स्थानीय क्षेत्र में यहाँ सत्तू बाबा के नाम से यहाँ प्रचलित है, वहाँ कई जगह हमने ये देखने को मौका मिला कि चतुर्वेदी जी के माध्यम से इनका चेहरा देखते ही लोग जो कई विगत वर्षों से मुलाकात इनसे नहीं हुई होंगे वो लोग भी देखकर काफी जो रखते थे। और रही बात सम्मान समारोह का, सम्मान समारोह हम लोग इनको क्या कहेंगे, हम लोग एक बच्चे स्वरूप है, जब से ही पत्रकारिता कर रहे हैं, जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था उसी टाइम से पत्रकारिता के क्षेत्र में है, पत्रकारिता के दौर में है और अपना जज्बा हर जगह दिखाते हैं फैलाते हैं, वो इसी के माध्यम से इनका चर्चा में है।
तो इनका आशीर्वाद स्वरूप हम लोग एक जगह बैठे, एक मंच पे बैठे और इनका आशीर्वाद स्वरूप सम्मान समारोह रखा गया और सभी बड़े भाई छोटे भाई मिलकर इनका सम्मान समारोह रखे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। पहले जो भी यहाँ वरिष्ठ पत्रकार उपस्थित है उनको मेरा प्रणाम एवं जो साथ में काम करते हैं उनको मेरा प्यार। आज देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है पत्रकार सम्मान समारोह। बाढ़ के धरती पर लगातार अपने कलम व कैमरे के ताकत से चाहे वो अपराधी हो या भ्रष्ट अधिकारी हो को इस कदर सच्चाई जनता के सामने रखे कि बाढ़ नहीं बाढ़ से आगे राज्य एवं देश के विभिन्न क्षेत्रों में सम्मानित होने का काम किया गया बाढ़ के वरिष्ठ पत्रकार श्री सत्यनारायण चतुर्वेदी जी उर्फ सत्तू बाबा यहाँ जो अभी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी जब हमारे सीनियर लोग बड़े भाई लोग जब चर्चा कर रहे थे तो पत्रकार में जो अभी विसंगतियां चल रही है हमारा दायित्व ना किसी अधिकारी के प्रति है ना किसी भ्रष्ट अपराधी के प्रति है। हमारा दायित्व केवल जनता के प्रति है, जनता को समाज में जो हो रही है सच्चाई को दिखाने का है। ना हम जज हैं, ना हम निर्णय कर सकते हैं। बिल्कुल राजेश भैया ने बताया बहुपक्षीय दिखाना है, स्वरूप चाहे जो हो डिजिटल हो प्रिंट हो लेकिन उद्देश्य केवल एक है जनता को वास्तविकता से परिचय कराना। अब कुछ तथाकथित अपने आप को वरिष्ठ पत्रकार, हालांकि वरिष्ठ तो कोई है नहीं क्योंकि सबका कार्य सेम है और सब किसी न किसी चैनल के माध्यम से काम कर रहे हैं। हमारा भारत देश का जो ANI होता है या जितने भी मंत्रालय हैं सभी YouTube पर सोशल मीडिया पर आ चुका है। उद्देश्य यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैसेज को अप्रोच किया जाए। आज के डेट में बहुत सारे लोग हैं जो पेपर नहीं खरीद सकते हैं, जो TV नहीं रखते हैं लेकिन मोबाइल सब जगह सुलभता से उपलब्ध है। परंतु देखा जा रहा है इन दिनों बाढ़ में कुछ ऐसे पत्रकार जो डिजिटल मीडिया कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया चला रहे हैं, जो अपने क्षेत्र के समस्या को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में यह समस्या है, चाहे वो समस्या जनप्रतिनिधि के खिलाफ हो या अधिकारी के खिलाफ जनता को दिखा रहे हैं। लेकिन ऐसा देखा जाता है अधिकारी के पास कुछ लोग जाकर इस टाइप का कार्य करते हैं कि इसको आप अपने ग्रुप से निकाल दिया जाए। तो उन अधिकारियों को भी इस मीटिंग के माध्यम से हम आप लोग के सामने कहना चाहेंगे हमारी जवाबदेही उन अधिकारी के प्रति नहीं है, हमारी जवाबदेही जनता के प्रति है और उन अधिकारियों के लिए भी एक चेतावनी है कि हम आपके लिए नहीं है, आप अगर गलत करते हैं तो उसको भी हम जनता के सामने दिखाएंगे। और रहा सम्मान का बात तो जिनको पूरे देश में लोहा माना उनका हम क्या सम्मान करेंगे, इनका आशीर्वाद लेने के लिए चूंकि कई दशकों तक इन्होंने यह कार्य किया, इनके मार्गदर्शन में जो भी सकारात्मक बात है उसे लेकर हम लोग एक पाठ के रूप में चलेंगे। धन्यवाद।